देश में जब सुरक्षा और वेपन मिलिट्री पावर की बात होती है तो ऐसे में दूसरे देशों से वेपन्स लेने से बेहतर है कि अपने ही देश में वेपन्स बनाए जाएं, ताकि कोई समस्या भी हो तो देश के अंदर ही सॉल्व की जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DRDO और देश के ज्यादातर वेपन्स और मिसाइल्स आज DRDO में ही बनाई जा रही है। अब हाल में DRDO ने 4276 करोड़ की मिसाइल बना दी है जो कि इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो क्या है DRDO, कैसे काम करता है और इस 4276 करोड़ की मिसाइल में क्या खास है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए पहले समझते हैं कि DRDO क्या है। तो जब भी देश के विकास और मजबूती की बात आती है तो सबसे पहले उस देश के मिलिट्री और साइंस पावर पर बल दिया जाता है। अगर किसी देश की मिलिट्री और साइंस पावर एक साथ एक दूसरे की मदद लेकर काम करती है तो देश और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है, और यही काम हमारे देश भारत में DRDO कर रहा है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की सिक्योरिटी से जुड़े रिसर्च वर्क के लिए देश की लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। ये भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री का R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। वर्तमान में DRDO की 50 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑर्डिनेंस, एरोनॉटिक्स जैसे कई फील्ड के रिसर्च में काम कर रही है। मॉडर्न रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कई मेजर प्रोजेक्ट्स DRDO के हाथ में हैं। DRDO में इस समय कुल 30,000 लोग कार्यरत हैं, जिसमें 5,000 साइंटिस्ट काम करते हैं और 25,000 अदर साइंटिस्ट टेक्निकल और सपोर्ट पर्सनल के तौर पर कार्यरत हैं। अब DRDO काम क्या करती है ये भी जान लेते हैं। तो DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। DRDO तीन तरह की डिफेंस सर्विसेज, जल, थल और वायु सेना के लिए हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स के लिए वेपन सिस्टम्स और डिवाइसेस के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पर देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। DRDO कई क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल, नवल सिस्टम, लाइफ साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग में काम कर रही है। ये देश की सेल्फ सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। DRDO का मोटो क्या है? DRDO का मोटो बलस्य मूल विज्ञान है। इसका मतलब है शक्ति का स्तोत्र विज्ञान। इसका मेन टारगेट मिलिट्री साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का है। DRDO का हेडक्वार्टर्स भवन नई दिल्ली में है। ये हेडक्वार्टर्स दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास और सेना भवन के सामने है। इसकी एक लेबोरेटरी महात्मा गांधी मार्ग पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1958 में मेन इंडियन आर्मी और डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट के टेक्निकल डिपार्टमेंट के तौर पर की गई थी। उस समय भारत में इसके टोटल 10 इंस्टीट्यूट्स की स्मॉल लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की गई थी। 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग से विभाग बनाया गया था, जिसने बाद में DRDO और इसकी लेबोरेटरीज को डायरेक्ट किया। बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2022 को अपना 64वां फाउंडेशन डे मनाया। 4276 करोड़ रुपए की मिसाइल भी DRDO बना रहा है। अभी LEC पर चीन के बढ़ते खतरे और आए दिन होती तैनाती के बीच भारत खुद को और मजबूत करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की क्षमता को मजबूत करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसी को लेकर मिनिस्ट्री टोटल 4276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ तीन परचेज प्रपोजल्स को मंजूरी मिल गई। बता दें कि इन मिसाइल्स का इस्तेमाल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। ये मिसाइल दुश्मन के खतरों का मुकाबला करने के लिए ALH को हथियार से लैस करने के प्रोसेस का एक मैंडेटरी हिस्सा है। सेना में इन हथियारों के शामिल हो जाने से भारतीय सेना की क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। DRDO ने किया आकाश NG और MP-ATGM मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट। इस मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने बाकी सभी DRDO लैब्स की मदद से डेवलप किया गया है। बता दें कि DRDO ने 2021 में ही ओडिशा के तट पर इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज से सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल आकाश NG का सक्सेसफुल परीक्षण किया। साफ बात है कि इन मिसाइल्स के भारतीय सेना में शामिल हो जाने के बाद सेना और पावरफुल हो जाएगी। अब आइए जानते हैं उन मिसाइल्स के बारे में जिसे भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर बनाया है। बता दें कि ये नौसेना और DRDO की जुगलबंदी से बनी इन एंटी सफल मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा करते हुए पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई जब 18 मई 2022 को इंडियन नेवी और DRDO ने मेड इन इंडिया नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई।
ये मिसाइल सी स्किमिंग ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए सीधा टारगेट से जाकर टकराई। सी स्किमिंग यानी मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट या मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो रडार में पकड़ नहीं आती। ऐसे में दुश्मन पर यह सरप्राइज अटैक करती है। अब क्योंकि ये मिसाइल समुद्र की सतह से चिपक कर चलता है, तो इसकी ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन उस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं सकता। ये तकनीक भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में है। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल की सटीकता, वैलिडेशन, कंट्रोल, गाइडेंस और मिशन से जुड़े बाकी एल्गोरिदम की जांच की गई। सब कुछ एकदम सही निकला। मिसाइल के रास्ते में लगाए गए सेंसर्स ने मिसाइल की ट्रेजेक्टरी और सभी इवेंट्स को सही से कैप्चर किया। बता दें कि ये मिसाइल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी। इसकी लॉन्चिंग स्कीम 42B हेलीकॉप्टर से की गई थी। इस मिसाइल में टेस्ट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगता है। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी है। इस टेस्टिंग के दौरान DRDO के सीनियर साइंटिस्ट और भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स मौजूद थे। आइए जानते हैं DRDO के इतिहास के बारे में। DRDO ने 1960 के दशक में सबसे बड़े प्रोजेक्ट इंडिगो, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर शुरुआत की, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को सही सक्सेस न मिलने पर बंद कर दिया गया था। बाद में प्रोजेक्ट इंडिगो ने 1970 के दशक में SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट वैलेंट के साथ प्रोजेक्ट डेवल की अगुवाई की। इसके साथ ही DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑफिशियल तौर से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली और इस प्रोजेक्ट के अंडर साल 1983 से साल 2007 के बीच IGMDAP ने कई मिसाइलें डेवलप की। आइए आपको इस IGMD प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप की गई मिसाइलों के बारे में बताएं। इस प्रोजेक्ट के अंडर पृथ्वी सीरीज की मिसाइल डेवलप की गई है। ये सरफेस टू सरफेस टारगेट करने में एबल कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस पर टारगेट करने में एबल है। ये मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी इसी प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप की गई। त्रिशूल मिसाइल जो कि सरफेस टू स्काई में प्रहार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है, ये भी ई प्रोजेक्ट के अंडर है। आकाश जो कि सरफेस टू स्काई में मार करने में एबल मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। और नाग जो कि थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, इन्हें भी इसी प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया गया। साल 2010 में डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी ने DRDO को देश में बढ़ावा देने और डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने का ऑर्डर दिया। बाद में DRDO ने बहुत से मेजर सिस्टम्स और क्रिटिकल टेक्निक्स को डेवलप किया है, जैसे एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स, UAV, छोटे हथियार, आर्टिलरी सिस्टम, EV सिस्टम, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, सोनार सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम, जिसकी वजह से आज DRDO नई ऊंचाइयां छू रहा है। DRDO के पहले और करंट प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। देश में टॉप डिफेंस साइंटिस्ट के तौर पर डॉक्टर रेड्डी मिसाइलों और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, फाइटर प्लेन्स और अनमैन्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, अंडर वाटर सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक कंटेंट और ऑर्डिनेंस पर मेजर प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट को गाइड कर रहे हैं। देश के लीडिंग एरोस्पेस साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर रेड्डी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी हैं, जिसने फोर्थ जनरेशन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस डेवलप किया है। इनकी अगुवाई में भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति की टेस्टिंग सक्सेसफुली की गई। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की बंदूक ATAGS एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्मार्ट वायु फील्ड वेपन स्मार्ट बम और मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो रिलीज सक्सेस डॉक्टर रेड्डी की दूरदृष्टि का ही रिजल्ट है। उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक मिसाइल सिस्टम अवार्ड के साथ साथ कई अन्य अवार्ड भी मिले हैं। अब आप में से कई पढ़ने लिखने वाले या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो DRDO कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बता दें कि DRDO ज्वाइन करने के लिए आपको गेट, सेट और CEPTAM के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप DRDO ज्वाइन कर सकते हैं। DRDO में भर्ती के लिए गेट की परीक्षा पास होनी जरूरी है, क्योंकि DRDO कैंडिडेट के गेट और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के जरिए से ही साइंटिस्ट बी की भर्ती करता है। अगर आप CEPTAM के जरिए DRDO में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको रिटर्न रिकॉर्ड परीक्षा देनी होगी, जिसमें दो टीयर में आपको परीक्षा देनी होगी। अगर आप पहली टीयर की परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो आप दूसरे टीयर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। सेट से अप्लाई करने के लिए एग्जाम दो चरणों में होते हैं,
जिसमें पहले आपको रिटर्न परीक्षा देनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसमें फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें मार्क्स इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वापस आते हैं DRDO पर, तो इसने कई मिसाइल बनाई है। हाल ही में DRDO ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। स्वदेशी रूप से डेवलप एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट्स के साथ इंटीग्रेटेड कर मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स के लिए है। ये पोर्टेबल मिसाइल है जिसे एक से दूसरी जगह आदमी लेकर जा सकते हैं। इसे अधिकतम 2.5 किलोमीटर की रेंज तक तिपाई का इस्तेमाल कर लॉन्च किया जा सकता है। DRDO ने इसका वीडियो भी जारी किया था, जिसमें स्वदेशी रूप से विक एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च होते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडर्न एडिशन की भी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई। बता दें कि भारत ने मॉडर्न सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के न्यू वर्जन को भारतीय नौसेना ने मिसाइल डिस्ट्रॉयर से सक्सेसफुली लॉन्च किया। DRDO ने कहा कि मिसाइल ने सटीक तरीके से टारगेट पर निशाना साधा। DRDO ने ट्वीट भी किया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र प्रहार करने वाले आधुनिक संस्करण का आज INS विशाखापट्टनम से परीक्षण किया गया। इसके अलावा इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, जिन्हें पनडुब्बियों, शिप्स, एयरक्राफ्ट या भूतल पर मौजूद प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्टेड किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 Mach या स्पीड ऑफ साउंड से लगभग 3 गुना रफ्तार से लॉन्च हो सकती है। बता दें कि भारत के DRDO और रूस के ज्वाइंट वेंचर से बनी है। इस सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पूरी दुनिया में डंका बजता है, क्योंकि ये जमीन, हवा, पानी या फिर समुद्र की गहराइयों से भी दुश्मन को निशाना बना लेती है। 12 जून 2001 को इस मिसाइल ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी थी। इसे DRDO और रूसी एजेंसी ने मिलकर तैयार किया। ब्रह्मोस का नाम दो हिस्सों ब्रह और मोस से बना है। ब्रह यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और मोस यानी रूस की मोस्कवा नदी। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4,300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। ये मिसाइल बेहद पोर्टेबल है, यानी इन्हें लॉन्च करना आसान है। इसके कई नए वेरिएंट्स पर भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्यों इतनी खास है? ब्रह्मोस 21वीं सदी की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज में आती है और छिपे हुए निशानों को तबाह करने के लिए इसे सबसे भरोसेमंद समझा जाता है। 2 साल पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को सीमा पर तैनात किया था, तो पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र तक को चिट्ठी लिख डाली थी। इसी से अंदाजा लगाइए कि दुश्मन देश ब्रह्मोस मिसाइल से आकर क्यों घबराते हैं। अब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग जैसी मिसाइल्स के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको भारत की बाकी मिसाइलों के बारे में मालूम है, जिनसे पड़ोसी मुल्क के साथ साथ कई दुश्मन डरते हैं? आइए आपको बताएं कि भारत मिसाइल के मामले में कितना आगे है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत में DRDO ही मिसाइलें बनाता है। अब तक तैयार की गई मिसाइलों में कई ऐसी भी हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट विदेशों से खरीदे गए हैं। आज DRDO जो मिसाइलें डेवलप करता है उसे भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को हैंडओवर कर दी गई है। चलिए बात करते हैं भारत को शक्तिशाली बनाने वाली कुछ मिसाइलों की, जिन्हें देखकर बड़े बड़े देशों के होश उड़ जाते हैं। पृथ्वी मिसाइल, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों इकाइयों थल, वायु और नौसेना में होता है। तीनों के लिए पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। पृथ्वी 1 ये खास तौर से थल सेना के लिए बनाई गई है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1000 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है और इसे जमीन से दागा जाता है। पृथ्वी 2 ये खास तौर से वायु सेना के लिए बनाई गई है। इसकी फायर पावर 250 किलोमीटर तक की होती है और इसमें 500 किलो बारूद भरा जा सकता है। इसे फाइटर प्लेन से दागा जाता है। पृथ्वी 3 ये मिसाइल खास तौर से नौसेना के लिए बनाई गई है और किसी भी लड़ाकू जहाज से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल Agni-1, इसमें SLV-3 बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फायर पावर 700 किलोमीटर की होती है। इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। 28 मार्च 2010 में इसकी पहली टेस्टिंग हुई थी। ये मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर मटेरियल ले जाने में एबल है। Agni-2, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1000 किलो मटेरियल तक ले जाने में सक्षम है। Agni-3, जुलाई 2006 में भारत ने Agni-3 की सक्सेसफुल टेस्ट की थी। इसकी फायर पावर 3000 किलोमीटर तक है, यानी इसे 4000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें 600 से 1800 किलो तक न्यूक्लियर मटेरियल भरा जा सकता है। Agni-4, 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली इस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधे से ज्यादा चीन आ सकता है। इसका परीक्षण 2001 में किया गया था। ये भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है। Agni-5,
अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का परीक्षण किया गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसकी जद में पूरा चीन आ जाता है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है, जिसे 7,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 2015 को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। धनुष मिसाइल, ये मिसाइल असल में पृथ्वी 3 से बनी है, जो खास तौर से नौसेना में इस्तेमाल होती है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल को DRDO ने साल 2000 में डेवलप किया था। इसे पहली बार INS सुभद्रा से छोड़ा गया था। शौर्य मिसाइल, कम दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल भारतीय थल सेना के लिए बनाई गई है। इसमें 1000 किलोग्राम तक परमाणु सामग्री भरी जा सकती है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। सागरिका मिसाइल, सागरिका का मतलब होता है समुद्र से पैदा होने वाली। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये नौसेना के लिए है। इस मिसाइल का लॉन्च सीधे पनडुब्बी से किया जाता है। इसकी लंबाई 8.5 मीटर की है और 500 किलो तक बारूद ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का निर्माण 1991 में शुरू हुआ और 2001 में तैयार हो गई। उसके बाद नौसेना को दे दी गई। इस मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। निर्भया मिसाइल, नाम से ही पता चलता है कि इस मिसाइल को किसी का डर नहीं। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के लिए किया जाएगा। निर्भया की रेंज 1000 किलोमीटर होगी। इसे DRDO डेवलप कर रही है। मॉस्केट मिसाइल, इस मिसाइल की टेक्निक रूस से इम्पोर्ट की गई है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ नौसेना में किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने रूस के NPO के साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इसमें 300 किलो तक बारूद भरा जा सकता है। इसे थल सेना और नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी स्पीड 2.5 से 2.8 मैक स्पीड है और ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। भारत 2001 तक 110 ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर चुका है। इस साल ये संख्या और बढ़ गई है। आकाश मिसाइल, ये मिसाइल 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। इसमें परमाणु सामग्री भी भरी जा सकती है। ये एक बार में कई टारगेट पर निशाना साध सकती है। प्रहार मिसाइल, ये भारत की कम रेंज वाली एक शक्तिशाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। ये खास तौर से थल सेना और वायु सेना के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल सिर्फ 250 सेकंड में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सूर्य मिसाइल, ये मिसाइल अभी तैयार नहीं है। इसका निर्माण 1974 से DRDO में चल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक ऑफिशियल तौर से इस मिसाइल के बारे में एक भी खुलासा नहीं किया है। ये भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इसकी क्षमता अग्नि से कहीं ज्यादा 5,000 से 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली होगी। दोस्तों, तो ये थी DRDO और उसके मिसाइल्स के बारे में पूरी जानकारी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।